यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, यहाँ पे आपको पढ़ना है द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे पास में दो बेसिस पे होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरे रूल्स होते हैं हमारे पास में दैट इज फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो रूल्स को पढ़ने से पहले क्यों ना हम ये समझ लें कि ट्रेडिशनल बेसिस पे हम अकाउंट्स को किस बेस कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं और मॉडर्न बेसिस पे हम अकाउंट्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे हम पहले हम लेते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनली द अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू थ्री कैटेगरीज। हालांकि अगर इसको मैं डिटेल में बताऊं तो पहले पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल के रियल एंड नॉमिनल, बट अपन मेन जाते हैं मेन थ्री कैटेगरीज जो है, तो दैट इज पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। जो कोई भी अकाउंट नेम से रिलेटेड होगा, चाहे वो पर्सन का नेम है या फिर वो किसी बिजनेस का नेम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, लेकिन अगर नेम से रिलेटेड अकाउंट है तो वो किस में जाएगा, वो आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अगर कोई एसेट से रिलेटेड अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट में आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि उसमें पर्सनल वाले नहीं आने चाहिए, क्योंकि लाइक डेटर्स, डेटर्स भी एसेट है, लेकिन क्योंकि डेटर एक पर्सन होता है तो वो पर्सनल अकाउंट में चला जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे तो वो एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है हमारा, लेकिन क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पर्सन को आपने पे किया उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पर्सनल में चला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। तो रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं, लेकिन बस ये ध्यान कर लेना कि वो जो एसेट्स हैं उसमें कहीं कोई पर्सनल वाला तो नहीं है। और नॉमिनल में आते हैं एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट्स। तो एक्सपेंस के एग्जांपल में वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। लॉस के एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इनकम के एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम के एग्जाम्पल हो गए। प्रॉफिट में मेड बी अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एनी काइंड ऑफ दैट थिंग। तो वो सब नॉमिनल में आते हैं। जो पर्सनल अकाउंट हैं इनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में। पहला हो जाता है आपके पास में नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल का मतलब है जो हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग है, दैट इज राम मोहन सोहन। दूसरा आपके पास में हो जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल, जिसमें आते हैं बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं जिंक विद्यालय अकाउंट, आप लोग फीस डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवाते हो, तो जिंक विद्यालय बैंक में जाते हो, आपके जिंक विद्यालय के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करो। अब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर इसकी जनरल एंट्री करते हो तो क्या पास करोगे एंट्री, जिंक विद्यालय अकाउंट डेबिट। वैसे तो जिंक विद्यालय अकाउंट नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये फीस का आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू दिस वन कैश अकाउंट, स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट सपोज करो जिंक विद्यालय ने आपसे लोन लिया,
जिंग विद्यालय हैव बोरोड अ मनी फ्रॉम यू, तो आप अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं जिंग विद्यालय अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो अब ये जो जिंग विद्यालय अकाउंट है, ये जिंग विद्यालय अकाउंट क्या कोई नेचुरल पर्सनल है? नहीं। क्या नेम है? हाँ नेम तो है, तो किस में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल में आएगा। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। और तीसरा हमारे पास में होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, पढ़ाई में तो आ रहा है ना? यस सर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मेनली आपको चार याद रखने हैं। पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा अनअर्न इनकम, चौथा एक्रूड इनकम। आई रिपीट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एंड एक्रूड इनकम दैट इज इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये चार मेनली आपको याद रखने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के लिए, बाकी इतना दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। No doubt. ठीक है, अब मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको बाद में सिखाऊंगा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। लाइक मैं यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखूंगा और आपको पर्सनल रियल नॉमिनल के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करना होगा। राइट, अच्छी तरह से देख लीजिए। पर्सनल जिसमें कि नेम, रियल एसेट और नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट। अब मैं कुछ अकाउंट्स लिखूंगा और यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दोस। मैं लिखता जाता हूँ, एक बार दो तीन लिख देता हूँ, तब तक आप सोच लीजिए अपने माइंड में। पर्सनल रियल नॉमिनल के बेसिस पे आपको उनको क्लासिफाई करना है। राइट, तो सबसे पहला मैंने लिखा कैश, दूसरा मैंने लिखा बैंक, तीसरा मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेस ऑफ पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। तो बताइए कैश किस में आएगा? कैश आ जाएगा रियल में। प्रदीप आप भी बताइए। यस सर, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश एसेट होता है इसलिए कैश आएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद में बैंक का बताइए, बैंक किस में आएगा? सर पर्सनल में। बुक में से देख के तो नहीं बोल रहे ना? नो सर। ठीक है, बैंक आपका, बैंक आपके क्योंकि क्या हो गया, किसी इंस्टीट्यूशन हो गई कोई, और इंस्टीट्यूशन है इसका मतलब नेम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और जैसे नेम से रिलेटेड हुआ तो फिर ये किस में चला गया? ये पर्सनल में चला गया। अच्छा, पर्सनल में कौन सा वाला पर्सनल? पर्सनल में कौन सा वाला सर? आर्टिफिशियल। जी बिल्कुल ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर पर्सनल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल में कौन सा वाला? सर रिप्रेजेंटेटिव। जी देव आप बोल नहीं रहे सर? ये वाला रिप्रेजेंटेटिव याद नहीं था सर मेरे को, अभी बताते हैं। क्या आपको पता है कि एक्सपेंस नॉमिनल होता है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूं, इसको देखना, इससे आपको समझ में आएगा। व्हेनेवर एनी प्रीफिक्स
or suffix is added to any nominal account, it becomes personal. और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में मेनली आपको कितने याद रखने हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये चार ही याद रखने हैं मेनली। चलिए सेल्स का बताइए सर। नॉमिनल सर, रेवेन्यू। ये तो नॉमिनल है ना? बिल्कुल नॉमिनल क्यों है वो लिखा ना मैंने। नॉमिनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए एक्रूड इंटरेस्ट। सर ये भी वो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है देव? यस सर। पर्सनल में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसका बताइए। इसका मतलब लीज, बताइए लीज होल्ड प्रॉपर्टी सर इसका मतलब क्या होता है? यस सर, प्रॉपर्टी के हिसाब से बता दीजिए। चलिए लीज होल्ड को हटाओ सर। प्रॉपर्टी रियल अकाउंट। क्योंकि एसेट है इसलिए ये यस रियल अकाउंट में जाएगा। और अब बात आती है मतलब की, तो देखिए जो प्रॉपर्टी है वो दो ही तरह की होती है, या तो सेल्फ ओन्ड होगी या फिर लीज होल्ड होगी, है ना। लीज होल्ड यानी कि रेंटेड होगी, या तो आपका जो मकान है जिसमें आप रहते हो या तो आपका खुद का होगा या फिर किराए का होगा, तीसरा तो ऑप्शन हो नहीं सकता, कब्जे का तो रखना नहीं अपना, या तो अपना खुद का होगा या किराए का होगा, राइट। तो लीज होल्ड का मतलब लीज होल्ड का मतलब किराए का, और फ्री होल्ड अगर आ जाता है, अगर आपको लिखा हुआ मिलता है फ्री होल्ड मतलब कब्जा कर रखा है ना, ना अपना खुद का है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी या तो लीज होल्ड होगी या फ्री होल्ड होगी। एंक्रोच प्रॉपर्टी का लॉ में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो तो इलीगल एक्ट है ना, तो उसका लॉ में कैसे लिखा हुआ मिलेगा कब्जे वाली का, एंक्रोच प्रॉपर्टी का, राइट। तो लॉ में तो आपको दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो लीज होल्ड यानी कि किराए की संपत्ति, और फ्री होल्ड यानी कि सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी। तो दोनों ही, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट आइटम बताइए ड्रॉइंग्स। सर पर्सनल। रीजन? क्योंकि सर ये तो हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं ना। नहीं, पर्सनल यूज के लिए लेते हैं इसलिए पर्सनल नहीं होगा, ये इसलिए पर्सनल होगा बिकॉज इट इज द अकाउंट ऑफ द ओनर, इट रिप्रेजेंट्स ओनर। है ना, दो अकाउंट होते हैं ओनर के, कैपिटल अकाउंट वो भी ओनर का अकाउंट है, और ड्रॉइंग अकाउंट वो भी ओनर का अकाउंट है। तो क्योंकि ओनर तो एक पर्सन होता है इसलिए पर्सनल में आएगा। क्लियर है? तो सर कैपिटल भी पर्सनल में आ जाएगा? हाँ, मैंने कहा ना कैपिटल भी ओनर का है और ओनर पर्सनल है, तो कैपिटल भी पर्सनल में आएगा। नेक्स्ट बताइए डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाई आ रहा है सॉन्ग आप लोगों को? इसमें थोड़ा बहुत सर पीछे से वो बैकअप वाला।
कौन सा सर? छोड़ो छोड़ो, इस पे आओ तुम तो। डिस्काउंट रिसीव्ड का बताओ जल्दी से, क्या नेचर होगा सर? नॉमिनल। और नॉमिनल में क्या आएगा ये? क्या ये एक्सपेंस है या इनकम है? सर इनकम। ठीक है, इनकम। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो बोलते जाना आप लोग। यस सर। तो क्या पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा पर्सनल चला जाता हूँ। अब अगला वाला आइटम देखिए, बैड डेट्स रिटन ऑफ। बताइए इसका सर। नॉमिनल। नॉमिनल में कौन सा? बैड डेट नॉमिनल कैसे हो जाएगा सर? देखिए आगे क्या लिखा मैंने, इसलिए नॉमिनल होगा क्योंकि बैड डेट का नेचर एक्सपेंस होता है। अच्छा, एक्सपेंस। ठीक है, अगला आइटम जो लिख रहा हूं मैं, इस आइटम पे आपका ध्यान चाहता हूं। बैड डेट्स रिकवर्ड। सर ये नॉमिनल ही होगा। और नॉमिनल में कौन सा? सर रेवेन्यू। इनकम। रेवेन्यू होगा। इनकम इनकम। भाई ये एक्सपेंस है ना, तो इसका अपोजिट तो इनकम आएगा ना। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ गया। परचेजेस। बताइए सर, परचेसेस रियल अकाउंट डेबिट होगा? सर क्या परचेज कर रहे हैं? बस परचेजेस लिखा है। अब आप सोच लो परचेजेस किसके लिए यूज होता है, आप खुद सोचो। ये सर कैश और रियल। परचेजेस किस चीज को परचेज करने के लिए यूज होता है, आप सोचो। सर गुड्स के लिए। बस सीधी बात है, बताइए जल्दी से बताइए। देव का तो सुन लिया मैंने अभी, आपके आंसर का वेट है। सर रियल अकाउंट। गलत है सर, गुड्स पे तो हमारा राइट है, वो हमारा एसेट है ना। कैपिटल में आ जाएगा सर, पर्सनल आ जाएगा सर। आपका जो लॉजिक, आपका जो लॉजिक है पूरी तरह से सही है प्रदीप, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की है, तो परचेजेस को हम एक्सपेंस ट्रीट करके चलते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंगली। और क्योंकि इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो ये नॉमिनल में आता है। क्लियर है? परचेजेस को इन्होंने एक्सपेंस माना। चलिए प्लांट एंड मशीनरी का बताइए। सर प्लांट सर रियल अकाउंट है। देव आप क्यों नहीं बोल रहे? सर प्लांट रियल अकाउंट नहीं हो सकता सर। अब तो मैंने लिख ही दिया सब कुछ। प्रीपेड एक्सपेंस। सर रियल अकाउंट, सर रियल अकाउंट कैसे होगा सर? प्लांट। हाँ क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है कि नहीं होता है? यस सर एसेट होता है। अच्छा रियल में आ जाता। जरूर आज मेरे एज ग्रुप वालों का टर्न दिखता है गरबा में, इसलिए सारे सॉन्ग वही चला रहे हैं लोग।
एज ग्रुप के हिसाब से होता है ना कि किसी दिन बच्चों का, किसी दिन यंगस्टर्स का, किसी दिन ऐसे इस तरह से। तो जरूर नहीं, आपने जाते सर? नहीं, मैं गरबा में कभी नहीं गया। मैं तो आज तक देखा ही नहीं सर गरबा खेलते कैसे। दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। चलिए कैपिटल का बताइए सर। पर्सनल जी, पर्सनल यस सर, पर्सनल आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम का बताइए। इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का भी पर्सनल आ जाएगा सर। नॉमिनल आएगा। ठीक है, देव समझ में आ रहा है आपको? बैंक ओवरड्राफ्ट का बताइए सर। पर्सनल रेंट, ये क्या है? प्रीपेड रेंट बताइए सर। ये भी पर्सनल। कौन सा वाला? अभी बताना सर। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है देव, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, ये आ रहा है सर। ये वाला तो बताया था आपने, प्रीपेड। ये तो बता दे, इसके ऊपर दो और लिखे उनके लिए भी तो बोलो। यस सर, हो गया ना सर, क्लियर है। क्या सिर्फ लिखा हुआ तो बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो नहीं मिलेगा बुक में। सर समझ में आ रहा है सर जी। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब सर, कैरेज इनवर्ड बताए थे आज। नॉमिनल होगा। ठीक, तुम्हारा समझ ही नहीं आता मुझे प्रदीप। यहाँ मैं जब भी पूछता हूँ तुम्हारे 99% आंसर सही आते हैं, 1-2% को छोड़ दें, लेकिन एग्जाम में वो मार्क्स नहीं आ पाते तुम्हारे। मैं कंफ्यूज हूँ इस बात के लिए सर, ये मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। रियल अकाउंट सर, गुडविल, रियल अकाउंट। खुद भी कंफ्यूज है आप। चलिए गुडविल का नेचर बताइए जरा कि गुडविल कौन से तरह का एसेट होता है? सर एसेट होता है सर वो इंटेंजिबल। क्या बात है, याद किया, एक ही आइटम याद किया दिखता है उसने देव ने। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो खेलते हो फ्री फायर वगैरह, ये जो भी होता है क्या होता है पता नहीं सर। मैं नहीं खेलता, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है पबजी सर, फोन में स्टोरेज ही नहीं है इतना डाउनलोड करे। कल सेम बात हो रही थी, किसी एक पर्सन ने मुझे बोला कि भाई फ्री फायर खेलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने है तो नहीं, बोले प्ले स्टोर से डाउनलोड। मैं प्ले स्टोर पे गया, देखा 700 MB। मैंने कहा और कोई काम नहीं रहा मुझे, ये 700 MB के कोई चीज डाउनलोड करता है कि वो इंसान? सर इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा सर खेलने में, बस बताइए तो। पबजी फ्री फायर। अरे तुम ऐसी बातें कह रहे हो तो फिर तुम क्वेश्चन भी तो नहीं करते हो। ये तो अच्छी बात है, चलो नहीं खेलते वो अच्छी बात है, लेकिन फिर है ना पढ़ाई तो क्या करो तुम, क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा इन दिनों थोड़ा सा लेजी हो रहे हो तुम। चलिए बताइए रेंट रिसीप्ट का। सर नॉमिनल। नॉमिनल क्यों? क्योंकि सर इनकम है। ठीक है चलिए, अब मैं इसको ओवर करता हूँ क्योंकि टाइम आउट को नोटिफिकेशन आ रहा है। अब आपको मैं कुछ होमवर्क बता रहा हूँ। आपकी बुक में सर, आप देखेंगे काफी सारे इलस्ट्रेशन दे रखे, दो इलस्ट्रेशन है, काफी तो नहीं, 2-3 आपको इलस्ट्रेशन मिलेंगे और अनसॉल्व में भी इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारे आपको पढ़ के और उनका नेचर आपको सोचना, और फिर मान लीजिए कोई आइटम ऐसा लिखा हुआ था जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सपोज लिखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी, और उसका आंसर तो आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आता कि यार ये जो आंसर लिखा हुआ है तो ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो वो आप मार्क करके रखेंगे और कल मुझे पूछेंगे। ठीक है यस सर। होमवर्क समझ में आ गया सर? वो
टू इलस्ट्रेशन हाँ बिल्कुल है, आपको बिल्कुल भी है ना अपने वहां जाने की जरूरत नहीं है दशहरा मेला देखने के लिए। यस सर। नहीं सर गुलाबरा में है ही नहीं इस बार। वो उसमें नहीं हो रहा क्या वो मयूर मेल में? नो सर। चलिए तो ये आपका होमवर्क है, टू इलस्ट्रेशन एंड टू अनसॉल्व जिसमें पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट पूछे गए बताए गए हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए तो ओवर करते हैं हम अपने।